मेरी प्यारी YouTube फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम शेयर करने वाले हैं ईद की मीठी रेसिपी। ये झटपट घर की चीज़ों से ही रेडी हो जाएगा। हमारे पास इस तरह का कैरेमल चॉकलेट पुडिंग या कोई भी पुडिंग होता ही है। अपने टेस्ट के हिसाब से हम चीनी ऐड करेंगे और इसमें जो पैकेट आता है वो आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं उतना ही ऐड कीजिए। आप चाहे तो सारा भी ऐड कर सकते हैं। और इसे हम एक उबाल आने तक पका लेंगे और ये रेडी होने के बाद इसे हम साइड पे ठंडा होने के लिए रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम थोड़ा सा दूध लेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून वेनिला कस्टर्ड ऐड करेंगे। इसे मिक्स करेंगे और इसे थिक होने तक हम पका लेंगे। और ये जैसे ही हल्का सा थिक होना स्टार्ट होगा तब हम फ्लेम को स्लो करेंगे और इसमें हम अमूल फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। और हाँ, ये इससे बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और रिच टेस्ट आता है। क्रीम ऐड करने के बाद इसे हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे, फिर हम इसे साइड पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारे पास घर में कोई भी कंपनी के रस्क तो अवेलेबल होते ही है, तो ये हम यूज़ करें। जो चॉकलेट सिरप हमने रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। रस्क को हम पूरी तरह से सिरप में सोक कर देंगे। ये अच्छी तरह से सिरप को सोक कर लेना चाहिए, तभी ये केक जैसा फ्लेवर देगा। और जो क्रीम कस्टर्ड हमने रेडी किया था वो इसमें स्प्रेड कर देंगे। हम 2 लेयर बनाएं, आप अपने हिसाब से लेयरिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगेन इस पे हम क्रीम कस्टर्ड स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद आप चाहे तो इसे किसी भी तरह से गार्निश कर सकते हैं। इसे आप एक बार बनाना ज़रूर, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके बाद आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।